हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम आपकी 10वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 78 करने वाले हैं, जो कि 31 जनवरी के है। इसमें पढ़ेंगे अपना माध्य कल्पित माध्य विधि से। इसकी एक वर्कशीट हम पहले पढ़ चुके हैं कल्पित माध्य विधि से, लेकिन इसमें हमें पढ़ना है जब अननोन वैल्यू दे रखी हो तो अननोन वैल्यू हम कल्पित विधि से कैसे ज्ञात करेंगे। कल्पित माध्य विधि से निम्नलिखित वार्तक बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। इसका तो माध्य हमने पहले भी पढ़ चुके हैं जी, ठीक है। वर्गंतराल दे रखा है हमको ये, और ये बारंबार था तो वर्गंतराल दे रखा है 2 से 8, 8 से 14, 14 से 20, 20 से 26, 26 से 32, और एफ दे रखा है 6, F, 12, 11, 8, ठीक है। सिग्मा एफ हमको देखना है, तो क्या करेंगे देखिए, इसमें हम एक्स आई निकालेंगे, जोड़ कर क्या कर देंगे, आधा 10 का 2 और 8 10 हो गया, 10 का आधा कितना हो गया 5, 8 और 14 20 हो गया, 22 हो गया, 22 का आधा 11, ठीक है। इसी तरह से हमने ये निकाल दिया। ये बेटा ये मिसप्रिंट होकर आया है, यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर क्या है आपका F है, यहाँ पर क्या दिया आपका F दिया है, ठीक है। X निकाल दिया हमने मध्य बिंदु करके, और D निकालते हैं। D क्या होता है, XI माइनस का A, यानी कि X आप A माना आपने 17 को, 5 में 17 गया तो माइनस के 12, 11 में 17 गया तो माइनस का 6, 17 में 17 गया तो 0, 23 में 17 गया तो 6, 29 में 17 गया तो 12, और एफ आई और डी आई की क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई। 12 6 72, 6 की एफ से करेंगे 6, 12 0 0, 11 6 66 और 12 8 96। इस यहाँ पर सिग्मा एफ डी कर देते हैं, यहाँ पर सिग्मा एफ कर लेते हैं, और यहाँ हम सीधी सीधी क्या कर लेते हैं जी, माध्य का फॉर्मूला लगाकर जो वैल्यू होती है सब रखकर कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसी तरह से आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया है, और एक इसी तरह से आपको तीसरा एग्जाम्पल भी दिया है। तो इसी तरह से हम ये एग्जाम्पल तो आप स्वयं देख लेंगे, अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन करने के लिए आए हैं वो स्वयं प्रयास करने के लिए, हम उनको करते हैं सीधा। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का कल्पित माध्य 47 है, दे रखा उसने माध्य कितना 47, तो कहते हैं पी का मान ज्ञात कीजिए। वर्गंतराल दे रखा 0 से 20, 20 से 30, 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। बारंबारता 8, 15, 20, पी 5, ठीक है, वही हमने लिख लिया। एक्स आई निकाल देंगे, एक्स आई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई निकालते हैं क्लास इंटरवल लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़कर आधा कर देते हैं, तो 20 का आधा कितना हो गया 10, 20 और 40 को जोड़ा तो 60 होगा, 60 का आधा कितना हो गया 30, ठीक है, ये हो गया 30। इसी तरह से हम जानते हैं यहाँ पर हो जाएगा आपका 50 80, ये हो जाएगा 70, 20 20 का गैप है तो 20 20 जोड़ते जाएगा, ये हो गया 90। और हम निकालते हैं एक्स और टी निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए, ए हमें मानना पड़ता है, मान लेंगे ए, मान लेते हैं हम जो एक्स के बीच में होता है, तो हम इसको मान लेंगे, माना ए बराबर हमने मान लिया 50, ठीक है। अब एक्स आई माइनस ए कर देंगे, 10 में से 50 गया तो माइनस का 40, 30 में से 50 गया तो माइनस का 20, 50 में 50 गया तो 0, 70 में से 50 गया तो 20, आपका 90 में 50 गया तो 40। एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई, एफ आई ये है और डी आई आपका ये है, 8 चौक 32, ये हो गया 320, ठीक है। 15 दुनी 30, ये हो गया आपका 300, 20 की 0 से करेंगे तो ये हो गया 0, 20 की P से करेंगे तो ये जाएगा 20P, ठीक है, और 5 की आप 240 से करेंगे तो ये जाएगा आपका 200, ठीक है। ये माइनस माइनस वाले आपने जोड़े अलग, तो ये हो गया माइनस का 620, ये प्लस प्लस वाले आप अलग जोड़ लेंगे तो ये आएगा 200 प्लस 20p, ये हो जाएगा हमारा साइड में जोड़ लेंगे अगर हम 200 प्लस 20p, ये हमारा P है। तो अगर हम यहां पर इसको माइनस कर दें थोड़ा सा, तो हमारा कितना जाएगा जी, 200 420 है, 620 है माइनस का और 200 है प्लस का, तो कितने बचेंगे हमारे पास, हमारे पास बचेंगे सिग्मा एफ आई डी आई के रूप में, एफ आई और डी आई के रूप में हमारे पास बचेंगे माइनस का 420,
माइनस का 420, और क्या बचेगा हमारे पास, प्लस का 20p, प्लस का 20p। अगर हम Fi का टोटल कर लें, सिग्मा Fi, तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 8, 15, 20, 5, ये हो जाएगा 48 प्लस में p। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, सीधा फॉर्मूला लगा देंगे माध्य का नीचे। माध्य में दिया हुआ था कितना, 47, ये याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, तो माध्य का फॉर्मूला है आपके पास सिग्मा, सॉरी, ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। माध्य आपको याद है 47 दिया है, ए आपने माना है आपका 50 है, एफ आई डी आई आपके पास है माइनस का 420 प्लस में 20p। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, और सिग्मा एफ आई आपको दे रखा है 48 प्लस p। ठीक, अब आप इसको संख्या संख्या पहले एक तरफ ले आएंगे और कैलकुलेशन पर लग जाएंगे। ये हो गया 47 माइनस का 50, ये है आपका माइनस का 420 प्लस में 20p, और अपॉन में कितना है आपके पास, 48 प्लस p। यहाँ कितने बचे, 47 में से 50 गए तो माइनस का 30 बचेंगे, और ये होगा 420 प्लस का 20p अपॉन में 48 प्लस p। अब इसकी इधर क्रॉस गुणा कर लेंगे, जब हम क्रॉस गुणा करेंगे 48 की 3 से तो हमारे पास आ जाएगा 144 प्लस में 3p, माइनस का 3p, सॉरी, ये हो जाएगा 48 दिया 144 माइनस के, और माइनस का 3p बराबर में हो गया माइनस का 420 और प्लस का 20p। पी पी वाले एक तरफ, संगे संग एक तरफ, ये है माइनस का 3p, सॉरी 144 ही रहने हैं, माइनस 144, 420 इधर ले आएगा हो गया प्लस का हो गया, ये है 20p, ये 3p उधर ले आएगा हो गया, ये 3p आपका प्लस का हो गया। 420 में से 144 गए तो ये इतने बच्चे आपके, ये बच्चे आपके 276, और 20 और 3 23 p हो गया आपके पास, और 23 कहाँ चला जाएगा, ये आपका अपॉन में 276/23, और यहाँ रह गया आपके पास p, और जब इसको काटेंगे 23 एकम 23, 4 बचेंगे, 23 दूनी 46, यानी कि आपके पास आ गया 12। काटेंगे तो कितना आ गया आपके पास, p आ गया आपके पास 12। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित तालिका में सारणी होगी, सारणी द्वारा, सारिका द्वारा अपनी पुस्तक को पूरा करने के लिए 30 दिनों के लिए लिखे गए पृष्ठों की संख्या दी गई है। यदि सारिका द्वारा लिखे गए पृष्ठों का माध्य दे रखा है उसने 26, माध्य कितना दिया 26, तो कल्पित माध्य विधि का उपयोग करके मुफ्त लुप्त बारंबारता ज्ञात कर लीजिए। 16 से 18, 19 से 21, 20 से 24, 25 से 27, 28 से 30, एफ दे रखा आपको 1, 3, F9 और 30। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, हम ये लिख दिया हमने, ये कितना 1, 3, F9, 13, 1, 3, 9, तो ये दिया है आपको 1, 3, 9, F, और ये आपका है 13। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, 1, 3, F9, 13 है, F9, 13, 1, 3 यहाँ पर आपका है F9, 13। ठीक है, एक्स आई निकाल लेते हैं, एक्स आई कैसे निकलता है, जोड़कर आधा, 17 और 18 का 34 में से कितना हो गया, आधा 17 हो गया जी, कितना हो गया आपका 17 हो गया, ये आपका 20 हो गया, ये आपका 21 हो गया, 27 और 25 आपको 26 हो गया, 28 और 30 कितना हो गया जी आपके पास, ये 29 हो गया। ठीक है, फिर ए मान लेते हैं, ए किसको मान लेंगे, माना एक्स के बीच में से मानते हैं, हमने मान लिया 21 को, किसको मान लिया 21 को, तो 17 में से 21 गया तो कितने बचेंगे, 23 है, सॉरी कितना हो गया, ये आपका 23 आएगा, ये आपका यहाँ पर आएगा आपका 23, तो एफ मान लेंगे हम 23, तो 17 में से 23 गया तो आपका हो गया माइनस का 6, 20 में से 23 गया तो माइनस का 3, 23 में से 23 गया 0, और ये आपका 26 में से 23 गया 3, 29 में से 23 गया तो 6। ठीक है जी, एफ आई और डी आई कर देते हैं, एफ ये रहा आपका, डी ए रहा 6 एकम 6 माइनस का
छः हो गया, तीन तिया नौ हो गया, एफ क्यू टी एफ की जीरो से करेंगे तो जीरो हो गया, नौ तिया सत्ताईस हो गया आपका, तेरह छिंग 78 हो गया आपका, ठीक है। माइनस माइनस वाले आपने देखे तो आपके कितने हो गए, माइनस के 15, ठीक है। आपने प्लस प्लस वाले देखे तो आपके कितने हो गए, ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 10, 105 हो गया। सिग्मा एफ आई और टी आई जब आप निकालेंगे तो 105 में से 15 के तो ये आपका हो गया 90, ठीक है। और यहाँ पे आप निकालेंगे सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा जी आपके पास, ये होगा 26 प्लस एफ, 26 प्लस एफ, ठीक है। संख्या संख्या जोड़ते हैं, एफ ऐसी रह गया। अब सीधा माध्य का क्या लगा देंगे आप, फॉर्मूला लगा देंगे, माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे। तो माध्य का फॉर्मूला आपका होता है ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है। माध्य उसने दिया था हमें 26, ये दिया है आपको ए आपने माना है 23, और एफ आई डी आई कितना आपके पास 90, और ये आपका है 26 प्लस एफ, ठीक। संख्या संख्या की तरफ जाएंगे पहले, 23 इधर लेकर क्या का हो गया, माइनस का हो गया, ये हो गया 26 माइनस का 23, 23 है आपके पास, और ये रह गया 90 अपॉन में 26 प्लस एफ, ठीक एफ है। यहाँ बचा 3 और ये होगा 90 अपॉन में 26 प्लस एफ, हम क्या कर देंगे ये इधर और ये इधर पहुंचा देंगे, तो कितना हो जाएगा आपके पास जी, हो जाएगा 26 प्लस एफ बराबर 90 बटे 3, काट देंगे कितना आ गया, 3 से 90 को काटा 30 आ गया, 26 उठा के दिले माइनस का हो गया, कितने बचे एफ बराबर हो गया हमारे पास 4, तो एफ आ गया आपके पास इस तरह से 4। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होगी, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से में आ गई, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।